हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो चैनल आदित्य एक्सप्लोरर। सो आज का जो ब्लॉग होने वाला है पेलिंग का। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए। आज मैं मेरा बाइक से नहीं आया, मेरा साथ आज है मेरा भैया का साथ जा रहा हूँ। हाय दा, हेलो। सो यह है मेरा भैया, नाम है पवित्र दा। तो दोनों मिलकर आज जा रहे हैं हम लोग पेलिंग। तो आज जो हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं, वो जगह का नाम है नया बस्ती लेकशिप हैंगिंग ब्रिज। तो दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा का पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि सफ़र का जो मज़ा है ना, वो रास्ते में ही आता है। तो इसके बाद और भी बहुत सारा जगह का वीडियो बनने वाला है। हम लोग जा रहे हैं साउथ सिक्किम पेलिंग में। तो पेलिंग में सिर्फ एक जगह नहीं, पेलिंग में बहुत सारा जगह है। तो उसमें से हम लोग, क्योंकि टाइम कम है, तो कुछ ही गिने चुने जगह पे जाएंगे। तो उसमें से हम लोग पहले तो जाएंगे आज का जो है नया बस्ती लेकशिप। उसके बाद हम लोग जाएंगे पेलिंग स्काई वॉक। उसके बाद जाएंगे हम लोग शिंगशोर सस्पेंशन ब्रिज। एंड लास्ट में जाएंगे हम लोग रिम्बी वाटरफॉल्स एंड कंचनजंगा वाटरफॉल्स। क्योंकि ये सारा जगह मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा सकता, नहीं तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए मैं ये चारों जगह को चार अलग अलग एपिसोड्स में आप लोगों के सामने लाऊंगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कौन सा जगह सबसे ज़्यादा। तो अभी हम लोग है शिव करनेशन ब्रिज पे। तो यहाँ पे अभी जो सुबह है, कितना टाइम हुआ है, अभी सुबह बज रहा है 6:30। तो मस्त हवा चल रहा है, आप देख ही सकते हैं कि कितना हवा चल रहा है अभी। और ये है शिव का तीस्ता का मस्त व्यू, देख सकते क्या मस्त लग रहा है अभी। आप लोग देख सकते हैं कितना तेज चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसा व्यू शायद ही आपको दुनिया का और कहीं पे देखने को मिले। एक तो नीचे तीस्ता का साफ पानी दिखाई दे रहा है और ऊपर में कंचनजंगा भी आज क्लियरली विजिबल है। तो सामने का जो दाहिने तरफ का रास्ता चला गया, तो ये रास्ता चला गया सीधा त्रिवेणी में। और ये रास्ता है तीस्ता ब्रिज, जो हम लोग छोड़ के आए हुए तीस्ता बाज़ार। तो इधर से हम लोग निकल सकते हैं कालिम्पोंग या फिर गैंगटॉक सिक्किम। वो जो सामने आपको डाइना तरफ का गेट दिखाई दे रहा है, ये है कालिम्पोंग का गेट। तो अगर आप ऊपर से डाइना तरफ से चले जाएंगे तो सीधा कालिम्पोंग पहुंच जाएंगे। और इधर से आप लोग जाएंगे सिक्किम। तो ये रास्ते में भी चलते हुए आपको थोड़ी देर में दिखाई देगा जो है त्रिवेणी का टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ पे बहुत कुछ होता है, यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं नदी के किनारे, फिशिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे थोड़ी देर आगे रिवर राफ्टिंग भी होता है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों का यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं। ये जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज क्रॉस करने से हम लोग घुस जाएंगे, सीधा चले जाएंगे। तो सीधा चला रास्ता गया जो सिक्किम गंगटोक के अंदर से चला जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे तो जोरथांग ये रास्ता होके हम लोग चले जा पाएंगे सीधा सिक्किम। तो ये रास्ता होके हम लोग को सिक्किम जाने का शॉर्टकट रास्ता जो रास्ते से। तो दोस्तों, ये है मेरी नया बाजार रोड। तो इधर से हम लोग चले जाएंगे साउथ सिक्किम में एंटर करेंगे। लेकिन रास्ता का हालत बहुत ही ख़राब है, देख सकते हैं कि जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है। और वो भी ऐसा वैसा लैंडस्लाइड नहीं, बहुत बड़ा बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जो कि बड़े बड़े पेड़ को भी उखड़ के फेंक दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा, यहाँ का जो मिट्टी है वो लाल रंग का है। और बाकी बात आप तो रास्ते का हालत देख ही सकते हैं, बहुत ही डेंजरस कंडीशन में है।
और लैंडस्लाइड भी इतना हुआ है कि हर 500 से 1 किलोमीटर का अंदर अंदर ही आपका लैंडस्लाइड आपको मिल जाएगा। रास्ता शायद कुछ दिनों तक बंद था, लेकिन अभी तेज़ी से काम हो रहा है और रास्ता अभी बहुत अच्छा हो गया है लगभग, क्योंकि जो लैंडस्लाइड था वो सब हटा दिया गया है। और सामने का ये जो व्यू पॉइंट है दोस्तों, वो भी बहुत ही मस्त लग रहा था। अगर आप लोग उस जगह पे होते तो शायद ही इसको अच्छी तरह से फील कर पाते, लेकिन क्या कीजिएगा, वीडियो में देख के एंजॉय कीजिए। लेकिन सच्ची में रास्ता का हालत बहुत ही ख़राब है। कुछ कुछ जगह पे तो आधा रास्ता गायब ही हो गया है, मतलब थोड़ा सा भी गलती और आप एकदम नीचे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो सब राइडर से जो ये रास्ते से आ रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा केयरफुली चलाइएगा और रास्ते पे पूरा ध्यान रखिएगा। तो सामने का जो व्यू है वो आप देख ही सक रहे कि कितना खूबसूरत एक जगह है। तो मुझे पहले तो ये जगह का नाम मालूम नहीं था, तो बाद में मैंने लोकल लोगों से पूछा। तो ये जो आपका सारा का सारा व्यू पॉइंट दिख रहा है, ये है सिंगला। अभी हम लोग इधर है, ये है सिक्किम में, लेकिन वो जो नदी का उस पर आप लोग को जगह दिखाई दे रहा है वो पड़ता है आपका दार्जिलिंग का अंडर में। तो मैं जो चीज़ बता रहा था आप लोग देख ही सकते हैं कि रास्ता का क्या हालत हुआ है। पूरा आधा का आधा से भी ज़्यादा रास्ता पूरा धस गया है। तो आप लोग बहुत ही केयरफुली राइड कीजिएगा, क्योंकि नज़रें हटी तो दुर्घटना घटी। तो भैया ज़रा संभाल के चलिएगा ताकि आप भी सेफ रहे और सेफली राइड कर सके। तो आ गए हैं हम लोग का डेस्टिनेशन पॉइंट पे। यहाँ से अभी हम लोग को लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे उतरना है। नीचे उतरने के बाद ही हम लोग का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए उतरते हैं नीचे। लेकिन रास्ता काफ़ी खरा है, आप लोग को शायद वीडियो से उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ही खरा रास्ता है, इसीलिए हम लोग को बहुत ही फूक के चलना पड़ रहा है, नहीं तो सीधा एकदम में नीचे जहाँ से और उठ नहीं पाएंगे। सामने रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ता ब्लॉक होके रखा है, मालूम नहीं आगे तक जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। रास्ता तो पूरा ब्लॉक ही हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा ही जगह बचा हुआ है, लेकिन फिर भी चल दिए क्योंकि यहाँ पे रास्ता पूरा एकदम कोई नहीं है, एक आदमी भी हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, तो बाइक छोड़ने का रिस्क भी नहीं ले पा रहा है। लेकिन फिर भी आगे तक चले आए, थोड़े आगे निकले, लेकिन यहाँ पे लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। हाँ, तो यहाँ से रास्ता पूरा ब्लॉक है, बाइक इसके आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो अभी हम लोग बाइक यहाँ पे ही छोड़ देंगे और पैदल निकल जाएंगे वो जो हैंगिंग ब्रिज है वहाँ पे। देख के खुद को रोक नहीं पाए तो चले आए। आप लोग खुद देखिए कि इसका जो मतलब जगह है ना, एकदम फाड़ू है फाड़ू। Ha!
आप लोग खुद देख पा रहे हैं कि क्या सुंदर जगह है ये। यहाँ से मतलब चारों तरफ का पानी का आवाज़ या फिर जो नेचर है बहुत ही बहुत ही बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी दूर में और एक हैंगिंग ब्रिज है और वहाँ से शायद एक मॉनेस्ट्री भी है वहाँ पे जाने के लिए, तो जस्ट ऑसम, जस्ट ऑसम। लेंगे ब्रिज है, ब्रिज का अभी हम लोग नीचे जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। रास्ता है नहीं, पूरा खतरनाक रास्ता है, थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा क्योंकि नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। और ऊपर से रास्ता बहुत स्लिपरी है और यहाँ से आप देख सकते हैं वो ब्रिज का व्यू। रास्ता है ही नहीं, कुछ बोल्डर्स है, इधर से ही थोड़ा पकड़ पकड़ के जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों अभी आ गए हम लोग एकदम नीचे, आप लोग देख पा रहे हैं कि चारों तरफ कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये मेरा पीछे है ब्रिज जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ से दिखाई दे रहा है, आप लोग खुद देखिए। हालांकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है लेकिन जब भी मैं ऐसा कोई चीज़ देखता हूँ ना मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। तो ये जो सामने का पत्थर आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे उठना है और मैं पहुँच भी गया। चलिए यहाँ पे अभी कुछ फोटो सेशन वगैरह करेंगे, थोड़ी देर नेचर को फील करेंगे, फिर यहाँ से बाय बाय। तो एक रिक्वेस्ट तो आप लोगों से बनता है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को जगह सब कैसा लग रहा है। और दोस्तों नेक्स्ट और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है बहुत सारा सुंदर सुंदर जगह को लेकर, तो अगर आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वो जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करके दीजिए ताकि आपको नया कोई भी अपडेट मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक।